215 रुपए लीटर कड़ुआ तेल हो गया है, 107 रुपया पेट्रोल हो गया है, 96 रुपया लीटर डीजल हो गया है, 1015 रुपया गैस सिलेंडर हो गया है, और क्या जानना चाहते हैं भाई बताइए। गोरखपुर ग्रामीण की जनता परिवर्तन चाहती है या नहीं? गोरखपुर मतलब गोरखपुर ग्रामीण की ही नहीं, पूरे भारत की जनता चाहती है परिवर्तन हो। मैं अपने दिल से बता रहा हूँ, मैं अपनी दिली बात बता रहा हूँ, गोरखपुर की बात ही छोड़िए, पूरे भारत की जनता सोच रही है सरकार को जल्द से जल्द चुनाव हो, सरकार को हटा दे। ब्लॉक बांसगांव जनपद गोरखपुर विधानसभा गोरखपुर ग्रामीण चुनावी सर्वे में जनता ने आखिर क्यों किया अखिलेश सरकार बनाने का दावा? यूपी में अब की बार किसकी बनेगी सरकार? बेरोजगारी भ्रष्टाचार अपराध को लेकर कैसा है गोरखपुर की जनता का मूड? संवाददाता जितेंद्र यादव आज बिलंदपुर खंता में मौजूद है और बिलंदपुर खंता की जनता से जानते हैं चुनावी मूड। आपका क्या नाम है? संजय कुमार गुप्ता। अब की बार किसकी बनेगी सरकार? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो सरकार है गरीब मजदूर और वो गरीबों के लिए सब काम करती है, और ये सरकार जो महंगाई इसके चरम सीमा पर है, और महंगाई तो आप देख ही रहे हैं, बाढ़ पीड़ित में सिर्फ समाजवादी के लोग ही दिखाई दे रहे थे बाढ़ पीड़ितों में, बरसातों में, और कोई महंगाई मुद्दा बनेगा क्या 2022 के चुनाव में? मुद्दा तो बहुत काफ़ी है जिसकी हम लोग कुछ बातें नहीं कर सकते, बाकी तो और सब कुछ है ही। गोरखपुर ग्रामीण से कौन मारेगा बाजी? गोरखपुर ग्रामीण से तो जब आगे जाते ही ले जाएंगे, बहुत ही अच्छा वो काम करते थे, और घर जो भी उनका सब पूर्व लोग सब जब आगे कर देंगे। इससे पहले तो हम भाजपा के ही कार्यकर्ता थे, भाजपा छोड़कर फिर सपा को फॉलो करते हैं। इसके पहले आप भाजपा को सपोर्ट करते हैं? प्रदेश का विधानसभा चुनाव आ रहा है और विधानसभा चुनाव में इस बार आपका क्या मूड है? हमारा मूड है मोदी जी को हराना है और योगी जी को भी हटाना है। ऐसा क्या कारण है कि मोदी जी को हराना है, योगी जी को यूपी से हटाना है? अरे भैया देख रहे हैं हम लोग गाड़ी चल रहे हैं जी, 100 रुपया 100 रुपया से ऊपर पेट्रोल हो गया है, ये कैसे हम लोग व्यापार है, कोई कारोबार करें? हम लोग फील्ड में चलने वाले हैं, हर चीज़ महंगा हो गया, साग सब्जी जो भी लेना हर चीज़ महंगा हो गया, राशन महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। पेट्रोल डीजल के महंगाई से आप संतुष्ट नहीं है योगी और मोदी जी से? अगर संतुष्ट होते ऐसी बात हम आपसे बोलते, योगी जी भरा ना है, अगर योगी जी बढ़िया काम किए होते तो उनको कहने की जरूरत नहीं। आपकी बात गोरखपुर ग्रामीण में किसको मिलेगा बहुमत? अखिलेश सरकार जीतेंगे इसमें। अखिलेश जी और कमल? कमल जाएगा इस बार, कमल जाएगा। साइकिल आएगा? साइकिल बिल्कुल आएगा। बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि कमल आएगा साइकिल जाएगा, अब ऐसा ही पेट्रोल जब महंगा होगा तो साइकिल ही आएगा। महंगाई भ्रष्टाचार अपराध से आप त्रस्त है मुख्यमंत्री का गृह जनपद रहा है गोरखपुर, और आप मुख्यमंत्री के गृह जनपद से आते हैं और आप मुख्यमंत्री जी से संतुष्ट नहीं है? जो अच्छा काम करेगा उसी से हम संतुष्ट है, अगर जो सरकार अच्छा काम नहीं करेगी उसे संतुष्ट नहीं, अगर ये भी अच्छा कार्य करे तो इनसे भी हम संतुष्ट रहते हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई अच्छा कार्य नहीं किया। योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 0 से भी कम होता तो वो दे देते। अखिलेश जी को पूरा 100 में 100% 100 में से 100% इस बार किसकी बनेगी? क्योंकि युवा के लिए अखिलेश जी सबसे अच्छा है, रोजगार के लिए कोई भी व्यापार हो चाहे काम हो हर क्षेत्र में वो अच्छा काम करते हैं। योगी जी के कार्यकाल में जो चल रहा है बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमने नौकरी देने में पहला नंबर हासिल किया है, किसको नौकरी मिला बता दें? नौजवानों को कहते हैं नौकरी नहीं मिला भैया, हर नौजवान परेशान है। अभी सर्वे करते करते आज बिलंदपुर में पहुंचे हैं, बिलंदपुर की जनता का क्या है राय? बिलंदपुर की जनता की कैसी राय जानना चाहते हैं? अब की बार किसकी बनेगी सरकार? इस बार अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, गरीबों की सरकार बनेगी, मजदूरों की सरकार बनेगी, महिलाओं की सरकार बनेगी, बहनों की सरकार बनेगी। गोरखपुर ग्रामीण से कौन मारेगा बाजी? गोरखपुर ग्रामीण से कौन कौन प्रत्याशी हैं?
आप ही बता दीजिए भाई, आप नेता जी हैं। गोरखपुर ग्रामीण से हम लोग प्रत्याशी का वेट कर रहे हैं, कोई प्रत्याशी आए मैं उसी को चुनाव हम लोग दे वोट दे। इस बीच प्रत्याशी जो भी प्रेजेंट है, जो मुख्यमंत्री जी हैं, विधायक जी यहाँ के, जो विपिन सिंह है, माननीय विपिन सिंह, उनको कोई देखा नहीं है। हमारे यहाँ का विपिन सिंह विधायक है लेकिन आज तक कोई देखा नहीं है। किसी से पूछ सकते हैं, किसी महिलाओं से पूछ सकते हैं कि यहाँ बिलंदपुर एक ऐसा पिछड़ा हुआ गाँव है, यहाँ पे कोई भी योजना आती नहीं है, कोई योजना नहीं आती, आते आते लिप्त हो जाती है। बिलंदपुर की जनता का एक युवक मिला हमको जिनका नाम है विजय जी, वह कह रहे हैं कि विधायक जी 5 साल दिखे नहीं। क्या विधायक जी आते आप लोगों के क्षेत्र में? नहीं आते हैं, ना विधायक, ना कोई विधायक देखा होगा, ना कोई सांसद देखा होगा, ना कोई मेयर को जानता होगा। हमारे यहाँ के नचनिया डोवाए थे, गोरखपुर में उनको कोई मिल ही नहीं रहा था। नचनिया डोवा के सांसद रवि किशन, उन्हीं को रवि किशन को आज तक पूछे कोई बात किया, कोई देखा है? बस चुनाव में कोई देखे होंगे, बाकी कोई देखा नहीं। हमारे यहाँ के जो रोड नाली की जो समस्या है, पानी बरसता तो नाली का पानी मंदिर में जाता है। गाँव का कोई बता दे कि कोई रोजगार पाया है, कोई बता दे। इतना बड़ा गाँव है, सब बेरोजगार हैं, सब खाने के लाले पड़ रहे हैं। कोई किसी घर राशन नहीं है, किसी कोई नमक रोटी से काम चला रहा है, किसी घर सब्जी नहीं बन पा रही है, किसी घर तो कुछ आलू है तो चोखा बना के खा ले रहा है। तेल की महंगाई देख लीजिए, पेट्रोल की महंगाई देख लीजिए, डीजल की महंगाई देख लीजिए, महंगाई देखना, गैस सिलेंडर, किसी घर तो गैस सिलेंडर नहीं है, चूल्हा से बना लकड़ी बना के खाना चूल्हे।